डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कुशल होंगे। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग वर्गमूल के बारे में चर्चा हुई और कुछ बेसिक बातों की चर्चा हुई। आप लोगों ने वीडियो देखा। अब क्या है कि उस पर आधारित जो कंपटीशन में सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनकी चर्चा होनी बाकी। दरअसल अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो ये है कि कैसे वर्ग वर्गमूल ज्ञात किया जाता है या घन घनमूल ज्ञात किया जाता है। ये सवाल का एक हिस्सा है, ये पूरा सवाल नहीं है। यानी आपको वर्गमूल निकालना आता है या नहीं आता है, लेकिन अब कभी SSC ऐसा नहीं पूछता है कि दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्योंकि यह एक छोटी बात है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक सवाल बनाया जाए जिसके अंदर वर्गमूल भी निकालना पड़े। ऐसे ही कोई ऐसा सवाल बनाया जाए जिसमें घनमूल भी निकालना पड़े, लेकिन ऐसे ही केवल एक सवाल ऐसे दे दिया जाए कि 1728 का घनमूल ज्ञात करें, ऐसा सवाल नहीं बनता है। ये छोटे सवाल में आता है। अब क्या है कि इसके अंदर जब आप चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम सारे रूट मिल जाएंगे, करड़ी करड़ी। हालांकि पावर एंड रेशियोज नाम से एक नया लेसन भी है घातांक करड़ी नाम से, लेकिन अब वर्ग वर्गमूल का अपना हिसाब है और उनका अलग हिसाब है। ये किताब बनाने वाले जो हैं इन्होंने क्या किया कि मिक्स कर दिए हैं क्वेश्चन। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सवालों में आपको दिक्कत आए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसके तुरंत बाद हम लोग घातांक करड़ी पढ़ लेंगे। पहले इसके सवाल देख लेते हैं और फिर घातांक करड़ी भी पढ़ लेंगे, तो फिर मिला करके सारे सवाल हल कर लिए जाएंगे। बस कोशिश ये करना है कि छोड़ना नहीं है कुछ। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपको PDF पर PDF देते जाएँ और आप लोग ईमानदारी से उसको लगाते जाएँ। अभी आपने जो दिए हैं रिजल्ट वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास व्यू दिख जाता है ना, 4 व्यू दिख रहा है, 5 व्यू दिख रहा है, अच्छा नहीं लगता है। जब हमारे पास इतने लोग हैं तो दिखना चाहिए ना, सबको बेहतर दिखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसे, शुरुआत का एक सवाल लेते हैं कि अगर मान लीजिए पहला सवाल आपके पास बना कंपटीशन में तो कैसे बनता है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ऐसे रहेगा, बड़ा सा रूट उसमें दिया है, 12 प्लस फिर 12 फिर 12 फिर 12, ऐसे ढेर सारा दिया, इनफाइनाइट तक दिया गया। पूछा गया इसका मान बता दो। अब इसका मान बता दो, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, 4 होता है। अब 4 क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको एकदम ध्यान में रहेगा, बिना लगाए काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले एक बार इसको बेसिक तरीके से हल करें और फिर वहीं से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कैसे हमारा 4 आएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक के पास कोई जुगाड़ नहीं है। आप कोई आदमी नहीं होगा जो अनंत तक 12 का वर्गमूल निकाल पाएगा और फिर उसे जोड़ पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस पूरी संख्या को x मान लेना चाहिए। मान लो √12 √12 √12 जो इन्फाइनाइट तक दिया गया है इसको आपने x मान लिया। अब ये बन गया अलजेब्रा, अलजेब्रा बन गया तो अलजेब्रा के अब प्रॉपर्टीज इस पर लागू होने शुरू हो जाएंगे। अब होल स्क्वायर बोथ द साइड कर दो तो ये बन जाएगा x² = 12। ये तो वाली टोपी उड़ जाएगी स्क्वायर करने के बाद। फिर यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक इसको हम लोग x ही कह सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। अब क्या हुआ कि इसको अगर हम इस साइड में ले आएँ तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। देखो ऐसे x² - x - 12 = 0। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे आप, कि दो संख्या ऐसी सोचिए जिसे जोड़ने पर -1 आए और गुणा करने पर -12 आए। ऐसी संख्या जब आप सोचेंगे तो सोच सकते हैं आप -4 + 3। देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो -1 आएगा और गुणा करेंगे तो -12 आएगा। बस इसी को कहते हैं आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x² - 4x + 3x - 12 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर के x कामन x - 4, और इसमें हम 3 कामन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा x - 4 = 0। अब क्या हुआ कि x - 4 फिर कामन हो गया तो हम लेंगे x - 4 और यहाँ पर लेंगे x + 3 = 0। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तब वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, सही बात है नहीं? तो अगर मान लो ये 0 है, x - 4 = 0 है, तो फिर x की वैल्यू 4 हो गई, और अगर x + 3 = 0 है तो x की वैल्यू -3 हो गई। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याओं का उत्तर ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर 4।
तो आपने एक प्रोसेस देख लिया, हमारा उत्तर चार जो पहले निकला था वो अब भी निकल के आ गया। तो अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे सवाल जब भी बनाए जाते हैं तो कोशिश किया जाता है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो, जैसे ये 3 × 4 = 12 है, क्योंकि यहाँ पर एक ही आएगा, एक x, तो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल आएगा। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पॉजिटिव दिख रहा आपको तो उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो आपका उत्तर बन जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लें, ऐसे लिख दें 42 + 42 + 42, ऐसे लिखते जाएं इनफिनिट तक, तो आप देखो 42 का मतलब 6 × 7 = 42, तो ये बिना कुछ सोचे आप इसका उत्तर 7 लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि इसको आप ब्रेक करेंगे तो यही बनेगा जो इधर बना हुआ है, तो फिर वहाँ पर आपका उत्तर 7 बन जाएगा। ऐसे ही कहीं सवाल बन जाए 56 + √56 + √56 बनता जाए, तो आप इसका कंडीशन क्या करेंगे, 7 × 8 = 56 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 8। क्लियर। अब सपोज करो कि यहाँ प्लस की जगह पे माइनस चिन्ह लिखा होता तब क्या होता, अगर माइनस चिन्ह लिखा होता तो उसका छोटा वाला गिनती होता, वो उत्तर बन जाता। एक सवाल करके दिखाते हैं। जैसे मान लो यही जो +56 है इसको हम माइनस कर देते हैं, सपोज करिए यहाँ पर माइनस माइनस कर देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे एंड होल स्क्वायर बोथ साइड, देन x² = 56 - x हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी वैल्यू को हम लोग x लिख सकते हैं, तो माइनस x। अब इधर ले आएंगे तो समीकरण बना x² + x - 56 = 0। तो दो संख्या हम लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, 7 × 8 = 56 + 8 - 7 समझेंगे। ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो x² + 8x - 7x - 56 = 0, x common x + 8 - 7 common x + 8 = 0। अब क्या हुआ, x + 8 फिर कामन हुआ और x - 7 कामन हुआ, और फिर इस तरह से हम x की वैल्यू -8 और यहाँ x की वैल्यू 7 लिख सकते हैं। देखो यह पहले गिनती तो पॉजिटिव है और ये गिनतियाँ होते होते इतनी कम हो जाएंगी कि 56 से उसे माइनस किया जा सकता है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर 7 बन जाएगा, ये 8 नहीं बनेगा। तो जब कभी निगेटिव आ जाए यहाँ पर तो जो छोटी वाली गिनती होती है दोनों में से, वो छोटी वाली गिनती इसका उत्तर बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं अगले सवाल को। प्लस माइनस हमने देख लिया, तो अगर प्लस माइनस देख लिया तो अब मल्टीप्लाई देखते हैं कि मल्टीप्लाई में ऐसे सवाल कैसे बनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल आया 7 √7 √7 √7 √7, ऐसे होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा लगा हुआ है। देखो जब कोई दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा मान लिया जाता है। देखो √7 और इस √7 के बीच कुछ नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई समझ लेंगे। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, आप सीधे 7 लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, सीधे 7 जो भी गिनती यहाँ पर होगी, अगर 5 होती तो 5 आंसर आ जाता, 12 होती तो 12 आंसर आ जाता। कैसे हो जाता, आओ करके दिखाते हैं। इस वैल्यू को आप x मान लीजिए, उसके बाद होल स्क्वायर कर दीजिए। जब होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x² = इसकी जगह पे 7 और इसकी जगह पे x लिख सकते हैं आप। अब आप देखिए x² का मतलब हुआ x × x = 7 × x, तो एक x तो कैंसिल हो गया, तो बताओ जरा x = क्या आ गया, 7 आ, बस यही बात है। तो अब सोच लो कि अगर इन्फिनेट तक कोई गिनती लगातार रिपीट हो रही है और कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो उसके जो गिनती इस्तेमाल हो रही वही गिनती आपका उत्तर बन जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि ये इन्फिनेट ना हो, फाइनाइट हो, कुछ नंबर तक हो बस, तब क्या होगा इसका आंसर। सपोज करिए यही उत्तर अगर हम यहाँ से इन्फिनेट हटा दें बस, अब बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 बार केवल लिखा हुआ है, फिर इसका उत्तर क्या होना चाहिए आपको बताएं। इसका उत्तर होना चाहिए 7³³, ये इसका आंसर होना चाहिए। अभी कैसे उत्तर बनता है उसको मैं आपको दिखा दूं। एक लंबी प्रक्रिया है, उस लंबी प्रक्रिया को करेंगे और फिर उसका बेस समझ लेंगे, फिर ऐसे सभी सवाल आराम से आपसे होने लगेंगे। आइए देखते हैं। इसको हम x मान लेंगे, फिर होल स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो x² = ये 7 हो जाएगा इंटू ये बाकी अंदर रह जाएगा। देखो एक बार स्क्वायर करने से एक ही तो बाहर निकलेगा,
देखो 1 2 3 4 अभी ये अंदर ही पड़ा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे एक बार दोबारा, तो ये बन जाएगा एक्स पावर 4, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 7, ये 7 बाहर आ गया, लेकिन अभी भी 3 वैल्यू अंदर पड़ी रह जाएगी। देखो हर बार स्क्वायर करने पर केवल एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, फिर स्क्वायर करने पर, तो इसका 4 का स्क्वायर इधर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 स्क्वायर, समझ रहे हो ना। ऐसे ब्रिकेट लेके स्क्वायर करोगे तो 4 का गुणा 2 से हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पावर 4, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 7, और ये अंदर रह जाएगा 2 बार 7। इसका मतलब अभी हमें 2 बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, एक बार फिर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर 16 बराबर 7 पावर 8, 7 पावर 4, 7 पावर 2, 7 पावर 1 और अंडर रूट 7, यहाँ तक आ गया। अब आखिरी बार स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा एक्स पावर 32 बराबर 7 पावर 16, 7 पावर 8, 7 पावर 4, 7 पावर 2 और 7 अकेला बचेगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। आप जानते होंगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर बेस उनका बराबर है तो यहाँ पर हम देखो 7 के ऊपर तमाम सारे पावर दिख रहे हैं, इन 7 के पावर्स को हम जोड़ लेंगे। जोड़िए 16 8 24 4 28 2 30 1 31, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 32 बराबर 7 पावर 31। अब अगर ये 32 वाला जो पावर है उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ का पावर जब जाता है ट्रांसफ़र होकर के तो अपान में जाता है, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर हो जाएगा 7 पावर 31 बटा 32। तो ये आंसर इतना देर मेहनत करने के बाद प्राप्त हुआ जिसको मैंने यहाँ पहले लिख दिया था। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले ही कैसे लिखा जा सकता है बिना इतना प्रयास किए हुए, तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप इसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 बार है तो 5 बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 आ गया। अब 32 में से एक घटा दीजिए क्योंकि इस साइड की जो वैल्यू होती है वो एक कम होती है, तो 32 में से एक घटा दिया 31, 31 बटा 32 हमारा उत्तर हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी, तो अगर हम दूसरा सवाल लें तो आप तुरंत उत्तर बता देंगे। देखो अगर मान लो इसका जवाब हमको देना हो, इन्फिनाइट नहीं है, केवल 1 2 3 4 बार लिखा हुआ, क्या इसका आंसर बन सकता है, तो आपको क्या करना है, 4 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से एक घटाओगे 15, आपका उत्तर बन जाएगा 5 का पावर 15 बटा 16, ये रहा आंसर। तो इस तरह के सवाल अब आपसे एकदम आसानी से होने लगेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अब क्या करना होगा, कुछ और सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके पास पीडीएफ में गया भी होगा, उन सवालों को हम लोग हल करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, मिलते हैं। आए देखते हैं, तो जो पीडीएफ हमने आपको भेज रखा है उसमें ये सवाल थे, उसी में से मैंने सवाल इसलिए किए हैं कि आपको लगाने में सुविधा होगी। मान लीजिए कुछ मुश्किल लग रहे हों, हो सकता है कि इन्हीं में से मुश्किल रहे हों, तो ये आपसे हल हो जाएगा आराम से। तो करते हैं एक ही तरफ से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि अंडर रूट 324 अपान 1.5 बराबर है एक्स अपान अंडर रूट 256, इसका मान बता देना, यानी एक्स की वैल्यू बता देनी है। आइए शुरू करते हैं, इसका मतलब है अंडर रूट 324 लिखा हुआ है तो 18 लिख सकते हैं उसकी जगह पे, 324 का वर्गमूल 18 बटा 1.5 बराबर है एक्स बटा 256 का वर्गमूल, हम लोग यहाँ 16 लिख सकते हैं। तो बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणा 16 अपान 1.5, हो जाएगा, बस इसी को काट दीजिए। अगर हम एक जीरो बढ़ा दें तो 0 चला जाएगा। अब देखो 5 से कट रहा, 5 से 15, ये हो जाएगा 32 और 3 6 18, यानी 32 का 6 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 6 दूनी 12 1 6 18 1 19, 192 आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये सिंपल सवाल था, छोटा सा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल लिखा अंडर रूट, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा अंडर रूट 624 इंटू क्यूब रूट 3729, बताओ 625 का वर्गमूल आप जानते हो, 25 इंटू 729 का घनमूल निकालना है, एकदम सिंपल है, आपको याद ही होगा 729 का घनमूल होता है 9 होता है, तो 25 9 225, आपका उत्तर बन गया। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा में लिखा अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 अपान अंडर रूट 96, अब है क्या इसमें कि आपको इसे पूरा, तो ये वर्गमूल तो है नहीं ढंग से, तो 24 का जब आप वर्गमूल निकालते हो तो ऐसे निकलता 2 गुणा 2 गुणा 6, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 6,
और 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6√6, और आपको 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 16 छक्का 96 यानी 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√6 लिख सकते हैं। अब बताओ ऊपर हो गया 4 2 6 6 2 8 8√6 और 5 4√6, अब क्या होगा, √6 कट गया, 4 2 8 आपका उत्तर बन गया 2। ये देखो कितना सिंपल सवाल है, सब छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा सा आगे मैंने कुछ बड़े भी लिए हैं देखने के लिए। अब देखो लिखा √5 − √3 √5 + √3, ऐसा सवाल जब आ जाता हल करने के लिए पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, परिमेयीकरण। अब देखो एक नया शब्द आ गया परिमेयीकरण, समझा जाए क्या होता है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का उद्देश्य है कि किसी भिन्न के हर में से अंडर रूट हटा देना, बस एकमात्र उद्देश्य। अगर पूछा जाए कि हम किसी सवाल का परिमेयीकरण क्यों करते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए परिमेयीकरण का मतलब हुआ किसी सवाल के हर में से, भिन्न है अगर तो भिन्न के हर में से अंडर रूट को हटा देना परिमेयीकरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं, लिखा है √5 − √3 / √5 + √3। हम इसमें क्या करेंगे, परिमेयीकरण के लिए संख्या यही रहेगी, बस सिंबल चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √5 − √3 / √5 − √3। अभी आपको ये पता चलेगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। आप जानते होंगे किसी भिन्न में किसी संख्या से गुणा और भाग दोनों किया जाए तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या हुआ कि हमने एक लाभ क्या लिया कि a प्लस बी नीचे द गिवन था, हमने a माइनस बी ले लिया। अब इससे क्या होगा, a² − b² नीचे फार्मूला बन जाएगा और a − b² बन जाएगा, a² − b² तो हमारा रूट हट जाएगा। a तो यही था कि हम अपना रूट हटा लेते। अब देखो ऊपर क्या हुआ, √5 − √3 का होल स्क्वायर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई इसका गुणा करोगे दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको फार्मूला पता होगा, a² + b² − 2ab, तो 2 × √5 × √3 √15 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5² होगा 5 और ये −√3² 3। ऊपर क्या हुआ, 8 − √15 और नीचे आ गया 2। अब क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो ऊपर से और 2 कट जाएगा आराम से। आप ऐसे भी काट सकते हो, 2 × 8 और ये 2 कट जाएगा, आपको उत्तर बन गया 4 − √15। ये आपका आंसर आ गया, ये इतना करना था। आइए दूसरा देखते हैं, अगला सवाल बहुत छोटा सा है, लिखा √10 × √15, बस √10 × √15 दिया हुआ। जानते हो 15 × 150 हो जाएगा जी, ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जब दोनों के ऊपर सेम छतरी है तो दोनों एक छतरी के अंदर आ जाएंगे, तो 15 × 150 हो गया। अब 150 को हम लिख सकते हैं 25 × 150, कहते हैं नहीं, तो 25 का मतलब 5 × 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5√6। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब देखो ये देखो थोड़ा सा अजीब है, देखो आओ समझ लिया जाए, जो आपका छठा नंबर सवाल है वो लिखा है √3 निकालना है सबका, ऐसे करके यहाँ √3 ले रखा है। अब ये 64 है, 64 का पावर −4, क्या आप जानते हैं हम 64 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, 64 का पावर −4 लिख रखा, हम क्या कर सकते हैं 64 के पावर को, जब हम उसमें सेट में जाएंगे तो हम उसको 2 के टर्म में बना पाएंगे, बस कर पाएंगे, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 यानी 2 पावर 6 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 6 × −4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या है 125 को हम 5³ लिख सकते हैं, 5³ × −2। तो चलो पहले इनको देख लिया जाए ये है क्या, उसके बाद ही काम हो पाएगा। अच्छा आप जानते हैं √3 का मतलब क्या होता है, सबके ऊपर √3 लग जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 × 24 − 24 / 2 का पावर 3 × 6 − 6। अब ये जो 3 लगा हुआ है इसका मतलब हुआ √1/3, और फिर यहाँ भी हो जाएगा √1/3। हम घातांकरणी बताएंगे कि √3 का मतलब क्या होता है, कि दोनों के ऊपर ये 1/3 हो जाएगा। तो अब ज़रा बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × 8 = 24 / 2 का पावर −8, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 5 हो जाएगा। आप जानते हैं ये जो माइनस, इसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जाएगा, ये वैल्यू ऊपर लेते जाओ, ये वैल्यू नीचे चले जाओ, बस माइनस हट जाएगा। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 5² यानी 25, और नीचे ये वैल्यू नीचे आ जाएगी
तो दो का वैल्यू 8 कितना होता है? 64, तो 6 का होता है, बोलो। हाँ 64, और 7 हो जाएगा 128, और 8 हो जाएगा 256। ये रहा आपका आंसर बन गया 25/256। तो आप लोग देख लीजिएगा आंसर, फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ये जो 64 था, 64 को हम 2^6 लिख सकते थे, और -4 कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कर दिया, और फिर इसको ऊपर नीचे लिख दिया, अब जो रूट था सबके ऊपर चढ़ा दिया, और सीधे हमारा ये फिर माइनस बचा रह गया। माइनस को मैंने ऐसे बदल दो बस माइनस हट जाता, बस केवल ऊपर नीचे बदली हुए कर दो तो माइनस आपका हट जाता। तो आपका ये था छठवां नंबर सवाल। सातवां देखिए, सातवां में लिखा है घनमूल निकालना है आपको, 1+ फिर घनमूल निकालना है 343। देखो अब क्या करना है, ये देखो घनमूल निकालना है किसका, 1+ इसका घनमूल कितना होता है, 343 घनमूल 7 होता है। अब देखो 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यानी घनमूल निकालना है 8 का, आपका उत्तर हो जाएगा 2। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। और आखिरी आठवां सवाल यहाँ पर दिया है, ये बहुत मज़ेदार सवाल इसलिए है कि थोड़ा अलग है, इसमें आपको एक नई बात बतानी है। देखिए ये सवाल है आठवां है, ये √5 + 2√6 - 1/√5 + 2√6। देखो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी 5 + 2√6 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, ये किसी दो पदों का वर्ग होगा, ये तभी तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और दो पदों का वर्ग होगा उसके बीच में प्लस बी चिन्ह लगा हुआ है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होना चाहिए, और प्लस 2 दिख भी रहा है, इसका मतलब हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए। दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए, कौन कौन संख्या हो सकती है, 3 और 2। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √3 + √2। ठीक, अब इसका मतलब हुआ 1/, यहाँ भी वही लिख सकते हैं √3 + √2। अब जो ये वैल्यू आई आपकी, इसको हम प्रमेयीकरण करेंगे, अभी अभी प्रमेयीकरण बताया, तो जब प्रमेयीकरण बताएंगे तो यही जो प्लस वैल्यू है ऊपर चले जाएगी माइनस बन करके, और नीचे बचेगा 1, करके दिखा दो। देखो अगर हम यहाँ से लेकर के इसको हम प्रमेयीकरण कर दें, तो √3 - √2/√3 - √2 करेंगे आप, तो क्या होने जा रहा है, इसका गुणा ऊपर करेंगे तो √3 - √2 होगा, और नीचे क्या होगा, a + b, a - b, a² - b² - 3 - 2 = 1। 1 का क्वेश्चन लिखना नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई ऐसे, और ये माइनस है, और यहाँ पे है √3 + √2। बस सॉल्व कर दीजिए, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो √3 + √2 - √3 + √2 हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि √3 √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर बन गया 2√2। ये रहा आंसर, तो ये मज़ेदार है, अच्छा लगेगा आपको देख करके। तो आठवां तक हम लोगों ने देख लिया है, अब इधर आगे चलकर देखोगे तो थोड़े से बड़े सवाल लेने की कोशिश किया गया है, और बाकी जब आप लोग लगा ले जाएंगे पूरा PDF और फिर हमसे पूछते रहेंगे तो हम लगाते रहेंगे। तो चलो देखते हैं नौवां सवाल क्या है, 2 + √2 + 1/2 + √2 + 1/2 - √2, क्या सवाल है, देखो दिख रहा सबको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे इन दोनों को। क्या आप यह बात जानते हैं कि अगर ये जो प्लस लिखा है अगर वहाँ माइनस कर दे तो ये संख्या ऐसे पलट जाती है, आपको क्लियर है कि नहीं, यहाँ अगर प्लस लिखा है और इस जगह पे अगर हम माइनस कर दें तो इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम इनको पहले जोड़ रहे हैं 1/2 + √2, और फिर यहाँ माइनस लिख देते हैं 1/2 - √2। ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या मिल गया कि इनका लघुत्तम लेना हमारे लिए आसान हो गया। देखो लघुत्तम क्या हो जाएगा जानते हो, 2 × 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही बचेगा, लघुत्तम 2 आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो 2 - √2, और यहाँ वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू उधर जाएगी, चूँकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2 और -√2 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -√2/2 बचेगा, अब 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो -√2 बचेगा। इतना दूर हम लोगों ने हल कर लिया, अभी फिर से लिख लो इसको, ये है 2 + √2, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -√2। अब क्या हुआ, ये दोनों भी कट गए, आपका उत्तर आ गया 2। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए दूसरा देखते हैं, बड़ा सा सवाल दिख रहा है 10वां नंबर, ये लिखा हुआ है
15612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। अच्छा, आप जानते हैं 225 का वर्गमूल 15 होता है। अब 15 इसमें आप जोड़ लो, 15 आप जोड़ लोगे तो हो जाएगा 169, होगा कि नहीं होगा? इसमें 15 जोड़ो तो 169 हो जाएगा, और 169 इसमें जोड़ोगे तब कितना हो जाएगा? 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, और 13 इसमें जोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा 15625। अब 15625 का वर्गमूल निकालना है, बताओ उसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल ही तो है, बताओ 15625 का वर्गमूल क्या है? क्या आप में से कोई जानता है? 125, ये आपका आंसर होंगे। तो अच्छे सवाल है, मज़ेदार हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है ये अंडर रूट 98 माइनस अंडर रूट 72 प्लस 50 अंडर रूट 50 और अपान अंडर रूट 18। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं? ये 98 है, 14 × 7 = 98, कुछ नहीं टूट रहा है। 72 टूटेगा क्या? 12 × 6 = 72, 36 × 72 बिल्कुल। तो देखो इसको रहने दो अंडर रूट 98, क्योंकि ये ऐसे रहने दो। और इसको क्या हो जाएगा, 36 × 72 यानी 6√2 लिखा जा सकता है, और प्लस ये 50 है, 25 × 50 लिखा जा सकता है, यानी 5√2 हो जाएगा बस। और नीचे क्या है, 18, 9 × 18 यानी 3√2 लिखा जा सकता है। एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे ये 2 के टेबल में आ जाए। हाँ आ गया, 98 को हम लिख सकते हैं 49 × 98 होता है, यानी 7√2 लिख सकते हैं इसको। देखो 7√2 लिख सकते, ये होना ज़रूरी था, अगर नहीं होता तो गलत हो जाता सवाल, इसलिए कि हम काटते कैसे। अब बताओ ये 7√2 है या 5√2 है, तो 12√2 हो गया। अब 12√2 में से 6√2 घटा दोगे तो आपका उत्तर आया 6√2, और 6√2 बटा 3√2, √2 कट गया, 3 × 6 आपका उत्तर 2। ये सिंपल तरीका बस, आपको इसीलिए मैंने कहा था कि वर्ग वर्गमूल खूब। तो आइए देखते हैं ये 12 नंबर सवाल, दिखने में थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है लेकिन कुछ बड़ा नहीं है। आइए देखते हैं, ये है आपका अंडर रूट 6 माइनस। अब देखो यहाँ क्या है, 6 और इसके बाद में इस ब्रैकेट के ऊपर −1 बना हुआ है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6/2 + √6, और उसके बाद में डिवाइडेड बाय दिस, तो उसको हम बाद में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, डिवाइडेड बाय 6 − 2√6, तो ये बाद में अपान में आ जाएगा, पहले इसको हल कर लिया जाए। चलो इसका इसका गुणा करके फिर −6 करते हैं, तो क्या करेंगे 2√6, फिर प्लस, इसका इसका गुणा होगा तो 6, फिर −6 अपान 2 + √6। अब देखो ये भाग हो रहा, तो ऐसे कर सकते 1/6 − 2√6, बस यही इतना हल कर देना। अब होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, अब ऊपर होगा 2√6, और नीचे क्या होगा, इसका और इसका गुणा हो जाएगा ऐसे। अब गुणा करेंगे तो देखो 2 × 6 = 12 −2 × 4√6, फिर इसका गुणा इधर होगा 2 का होगा, अब √6 का गुणा इसमें करो +6√6, अब फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा −6, 6 × 12। अब होगा क्या कि ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और 6√6 में से 4√6 निकल जाएगा, तो 2√6 बचेगा, यानी 2√6 ऊपर बचेगा, 2√6 नीचे बचेगा, और दोनों कट करके 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि देखने में सवाल साइज बड़ा हो सकता है लेकिन टफ नहीं होता, तो बहुत मज़ेदार होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 13 नंबर, इसमें लिखा हुआ अंडर रूट 1 + 25/144 +1/+x/12। देखो होगा क्या कि मुझे दोनों साइड का होल स्क्वायर करना होगा, होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर करोगे तो, बल्कि ऐसे भी कर सकते हो, 144 + 1 = 144 + 25 = 169/144 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 144 + 144 और +25 = 169/144 ऐसे 169/144। और इसको आप जानते हो कि ये 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/12, और 13/12 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/12, यानी 1 सही 1/12 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/12,
ध्यान दीजिएगा, हम खाली इसी बात को अभी तक लिखे हैं, इसको फिर से देखो, ये 144 + 25 169 169/44 का वर्गमूल लिया 13/12 13/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इस वैल्यू के बराबर है। देखो अब हम लिख रहे हैं 1 + 1/12 बराबर 1 + x/12। अब बताइए ये एक गया कट गया, 12 = 12 एक बराबर क्या, x बराबर क्या आ गया, एक। तो कितना आसानी से आपका सवाल ये बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको जितने पीडीएफ, आज बहुत सारे पीडीएफ मैंने दिया है तो लगा डालिएगा सारे के सारे, लगाने के बाद फिर बात करते हैं। तो देखिए ये आपका 14 नंबर सवाल है, लिखा h²b बराबर 27ab² बराबर 216, मतलब दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 216 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 216। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8a² बराबर 216 और ये लिख सकते हैं 27ab² बराबर 216। अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो क्या होने जा रहा, इधर हो जाएगा 8 × 27 a³ b³ और यहाँ हो जाएगा 216 × 216 हो जाएगा। यानी अब हम लिख सकते हैं a³ b³ बराबर 216 × 216 अपान 8 × 27। हम इसे काट सकते हैं, काटने की जगह पे आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये 6 का क्यूब है, ये भी 6 का क्यूब है कि नहीं, 6 का क्यूब × 6 का क्यूब और नीचे क्या है, 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। आप समझ सकते हो 2 का क्यूब × 3 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है। तो इस 6 का क्यूब से एक 6 का क्यूब कट गया। अब आप देख रहे हो कि ए बी का ये क्यूब कहा जा सकता है और बराबर 6 का क्यूब कहा जा सकता है, तो बताओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 6। कितने आसानी से आपने देख लिया, कितने आसानी से आपका 6 बन गया। ये है सवाल आपका। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसको देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन लिखा है कि √a + √b बराबर 17, √a - √b बराबर 1। हल करना है हमको, बताना है रूट ए बी। देखो रूट ए भी बताना है तो इसको आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, अगर हम जोड़ दें इसको तो 2√a = 18 हो जाएगा, तो √a = 9 हो जाएगा। और √a की वैल्यू अगर हम किसी समीकरण में डाल दें तो √b की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 8। अब अगर इन दोनों को हम गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा √ab और वहाँ पे क्या हो जाएगा, 72। ये आपका आंसर। तो बहुत ईजी गोइंग विद्यार्थी क्वेश्चंस थे और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर लगा रहे होंगे। सारे लगा लीजिए, फिर मिलते हैं, आप सवाल पूछते रहिए, ठीक है। पूरे PDF सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ स्लीपिंग पार्टनर है, कृपया वो निद्रा छोड़िए और जीवन संघर्ष में जुट जाइए। थैंक यू।